हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आइस ड्रॉ कैसे करते हैं। तो उसमें मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि आप आसानी तरीके से आइस ड्रॉ कर सकते हो। बिल्कुल भी किसी तरीके का आपको वो करने की मेहनत की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी होगी, आप सीख जाओगे कैसे आइस ड्रॉ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ। तो पर बट मैं उससे पहले आपको ये अपनी एक ड्राइंग दिखा देता हूँ जो कि मैंने अपनी चीप पेंसिल बनाई थी। देख सकते हो, ये एक ऑस्ट्रेलियन मंकी है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे हेयर्स भी बनाया था, ये हैंड में थोड़ी सी जो देख सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने अपना टैटू भी और यहाँ पे मैंने अपना नाम भी लगा दिया है। और दूसरी जो मैंने थैनोस की बनाई है वो भी दिखा देता हूँ। दूसरी है ये जो कि मैंने थैनोस की बनाई थी, इसमें मेरे को जितना भी रियलिस्टिक ला चुका उतना मैंने लाया। और देख सकते हो मैंने आइज में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लाया हूँ। मैं तो एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो आइज़ में यूज करना पड़ा था। और जितना भी मैंने इसको रियलिस्टिक बना पाया उतना मैंने बनाया, देख सकते हो। अब मैं शुरू करता हूँ आइज़ का दिखाने के लिए। तो आइज़ कैसे ड्रॉ करते हैं तो आप देखो। और अगर सही मैं शुरू करता हूँ आइज़ को ड्रॉ करना है तो आपको पहले तो एक लाइन खींच लेनी है, क्योंकि ये भी तरीका बेटर रहेगा अगर आप सीख रहे हो, अगर आप बिगनर हो। मैं भी पहले ऐसे ही प्रैक्टिस करता था आइज़ के लिए, मैंने इंटरनेट से ही सब कुछ सीखा है। इस तरीके से आप कर लेना आइज़ को। फेस के अंदर आपको जो हमारे सर्कल एक ऐसे बना लेना है आपको, तो मैं आइज़ के अंदर कंचा सा होता है वो आपको यहाँ पे लगा लेना है। फिर आपको एक इस तरीके से, मतलब कि इस लाइन के अंदर आपकी होने चाहिए जो भी आप आइज़ ड्रॉ कर रहे हो, नहीं तो आप स्केल से मेज़र करके कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं करूँगा, आप भी ये वाला तरीका अपनाना तो ये भी तरीका बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। तो अब आप इसे इरेज कर लो, इतना को इरेज कर लिया, देख सकते हो। वीडियो को मैंने कुछ स्टॉप करना पड़ा था। और मैं अब इसको, अब जितना भी इसमें एरियाज होते हैं वो आप कर सकते हो फॉलो अगर आप करना चाहते हो, नहीं तो अगर आपको आता है तो कर एक बार देखना। ये वाला भी तरीका सही है आई ड्रॉ करने का, जो आप लाइन खींच लेना है पहले। तो आप इसके अंदर जो भी अपना आर्टिकल लाना चाहते हो वो कर लेना, मैं तो ये ऐसे करूँगा, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये। इस तरीके का आर्टिकल आप लाना, तो ये वाला भी तरीका बहुत अच्छा है, देख सकते हो। और ये वाला बेटर भी रहता है कुछ काफ़ी। तो गाइस इतना मैं देख सकती हूँ, मैं लाइन अप यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो ये वाला लाइनिंग आप कर लेना, बहुत अच्छा रहता है ये वाला तरीका भी, मतलब कि जो आपके मन में बेटर लगता है वो आप करो। ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए अगर आप, मतलब कि स्केल से मार्क लेके भी करते हो, अगर आप सीख रहे हो अभी तो भी सही रहेगा। अब मैं थोड़ी सी शेडिंग भी कर दे रहा हूँ आई में, जिसके थोड़े रियलिस्टिक लगे। तो आप ऐसे करना, आपको भी आ जाएगा ये आराम से। तो यहाँ पे मैं थोड़ी एक और थोड़ी डार्क कर देता हूँ ये लाइनिंग को। मैं सिर्फ एक ही पेंसिल को यूज़ करके कर रहा हूँ, 8B की थोड़ी डार्कनेस जो कि आपको कैमरे में अच्छे से दिखे। तो मैं यहाँ पे पहले इसको लाइनिंग को अच्छा कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक कर दिया, ब्लेंड भी कर दिया है मैंने। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बियर्ड भी लगा देता हूँ जो कि बाल होंगे। पहले ये लाइनिंग को थोड़ा डार्क कर दूंगा मैं। तो ये वाले आप हेयर्स यहाँ पे जो आईज के ऊपर होते हैं वो आप यूज कर सकते हो, तो इससे ज्यादा लुक बढ़ता है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, देख लो। अगर आपको इसमें तरीका कुछ अलग लगता है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको ये तरीका अच्छा लगा या फिर नहीं। तो मैं आइज़ के अंदर थोड़े से शेडिंग भी कर दूंगा, इसकी वजह से थोड़ी रियलिस्टिक लगेगी। ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं अब इसमें बिल्कुल ब्लेंडिंग नहीं करूंगा, अब मैं आईब्रो जो कि ऊपर ऊपर की साइड होता है, तो
पहले मैं तो बस हल्का हल्का आउटलाइन से कर ले रहा हूँ। मैं आउटलाइन अभी कर रहा हूँ, देख सकते हो। मैंने तक टारगेट पूरा कर लिया अपना, और बताना कमेंट में कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, अब बेल आइकन का बटन जरूर से दबाना। तो मैंने वाला तरीका कर लिया है अब पूरा। अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं एक फ्री फायर में जो जोकर होता है उसकी भी आपको वीडियो अगर चाहिए, या फिर और भी कुछ नए तरीके आपको जानने हैं तो यार ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।